हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका। और आज हमारी सवारी चल दी है एक अनप्लान्ड ट्रिप पे। मतलब हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हमें कहीं जाना है। इवन जाने की तो कंडीशन भी नहीं थी। मैं इतनी बुरी तरह थकी हुई थी। सैटरडे को मुझे इंजेक्शन लगे थे दोनों कंधों में, और फिर संडे को हमारी ननद जी की विदाई हुई, और उसके कुछ ही देर बाद वान्या ने इतना रोया, इतना रोना उसने शुरू कर दिया ना कि हम सब इसको समझा के, पूरा घर उसको समझा के परेशान हो गए, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। उसे था कि हमें कहीं घूमने जाना है, हम लोग कहीं नहीं जा पाते, पापा कहीं नहीं ले जाते, प्लीज़ लेके चलो। तो फाइनली मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं, अब चलो हम चलते हैं। और मैं उनसे कह भी नहीं पाई कि मुझे इतनी दिक्कत है, मैं देर रात में सोई थी, मॉर्निंग्स में जल्दी उठ गई थी। फिलहाल हम लोग निकल दिए खजुहा, जो करीब हमारे फतेहपुर से 32 किलोमीटर दूर है। तो ये हम आ गए खजुहा। जाते समय सबसे पहले खजुहा में पड़ा ये बावन इमली की जगह है, एक जगह का नाम है यहाँ पे बावन इमली जगह का नाम है। तो यहाँ हम लोग गए, एक पार्क है और एक स्मारक है जो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ हम लोग उतरते ही सबको लग गई थी भूख, तो सब लोगों ने वहाँ पे चिप्स कुरकुरे वगैरह मिल रहे थे, वही सब लेके खाया। और ये हम लोग आ गए उस स्मारक में अंदर जहाँ पे था। तो ये जो तीन स्तंभ दिख रहे हैं ना, इस पर उन सारे लोगों के नाम थे जिन सारे शहीद लोगों को, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेज़ों ने एक साथ एक इमली के पेड़ में 52 लोगों को फांसी दी थी, एक साथ 52 लोगों को फांसी दी थी। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस इमली के पेड़ के नीचे जब हम लोग खड़े हुए ना, एकदम से मतलब कुछ देर के लिए सब शून्य हो गया था। वो सोच करके उस घटना के बारे में कि क्या स्थिति रही होगी उस समय जब एक साथ 52 लोगों को फांसी दी गई थी इस पेड़ पर। और ये पेड़ लगभग 166 साल पुराना, 165-166 साल पुराना हो गया है, और अभी भी ये पेड़ है। तो ये पेड़ उस अत्याचार का साक्षी है जो उन भारतीयों पर किए गए थे जब हम अपनी स्वतंत्रता चाहते थे और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। देख के मन एकदम भारी सा हो गया था। हाथ जोड़ा, नमन किया उन शहीदों को, उन शहीदों के परिवार वालों को, क्योंकि जो चले जाते हैं ना उनके पीछे जो लोग रह जाते हैं, तकलीफ़ तो उनको झेलनी पड़ती है, दर्द तो वो उठाते हैं पूरे जीवन का। खैर, वहाँ भारी मन से हम आगे बढ़े, और वहीं पर ये छोटा सा पार्क है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे, बहुत सारी फैमिली आई थी, इवन बहुत अच्छी भीड़ थी वहाँ पर। तो बस मेरा तो मन इतना भारी हो चुका था और थकान से ऐसा चूर हो चुका था कि मैं चुपचाप पेड़ के नीचे वहाँ बैठ गई बने चबूतरे पर, और बच्चों ने झूला उला झूलना शुरू कर दिया, खूब मस्ती करी बच्चों ने। और मैं तो ना सच में ओवरथिंकिंग वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत आपको परेशान कर देती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। तो मेरे पतिदेव ने फिर जो है बहुत देर वो बात करते रहे, समझाते रहे, और हम लोग बहुत देर तक इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहे। फिलहाल थोड़ा सा जब मन शांत हुआ और थोड़ा सा पानी वानी पिया तो मुझे सही लगा। और उसके बाद ये देखिए, मैं भी बच्चों के साथ उनकी मस्ती में शामिल हो गई। और ये लोटस शेप का जो ये पॉन्ड था ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था। पर अभी हाँ, इसमें वान्या भी खेल रही थी और इसमें ना अभी पानी बिल्कुल नहीं था, ये सूखा हुआ था। तो बच्चों को बहुत मस्ती आ रही थी इस पे चलने में। और ये देखिए वो स्मारक ऐसे बना हुआ है, एक बैठने की जगह। आप यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हैं, 52 शहीदों को एक साथ फांसी दी गई अंग्रेज़ों द्वारा 28 अप्रैल 1858 को इमली के पेड़ पर। तो एकदम बहुत मतलब देख के अजीब सा होता है। और नमन करती हूँ उन शहीदों को जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपना बलिदान दिया। और फिर वहाँ से आगे हम चले, तो ये है खजुहा में, आप देख रहे होंगे दीवारें आपको दिख रही हैं। यहाँ पे ये औरंगज़ेब द्वारा निर्मित करवाया गया एक बारादरी है। तो छोटा सा किले टाइप का है, ऐसे कोई महल टाइप का नहीं है, लेकिन चारों तरफ दीवारें हैं और बीच में दो वो है, और जगह जगह पे पानी का बना हुआ है, छोटा छोटा सा तालाब टाइप का है। वो किस पर्पज़ से इसका कुछ उल्लेख नहीं है यहाँ पे,
बस गेट के पास एक वो बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ये औरंगज़ेब द्वारा निर्मित करवाया गया था। औरंगज़ेब इधर से जा रहा था तो यहाँ पर एक हफ्ते के लिए वो खजुहा में रुका था और उसके बाद वहाँ पे उसने इसका निर्माण करवाया था। तो ये देखिए, ये भी मुझे लग रहा था ऐसे तालाब टाइप का ही है छोटा सा, और इसकी दीवारों पर हम लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे बच्चों के साथ, मैं भी बच्ची ही बन गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ तो मतलब आप दूर दूर तक यहाँ देखो, ये छोटा सा किला टाइप का है और दोनों सामने ये बरामदा है एक, ये देखिए हमारा छोटा सा बंदर और ये दोनों तरफ एक बराबर था, बीच में छोटा सा तालाब टाइप का था और ये सब फूल क्यारी लगी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और आसपास इतना खुला खुला सा वातावरण है ना, और इतनी ठंडी हवा लग रही थी यहाँ पे, इतनी बढ़िया, मतलब कि क्या बताऊँ, एकदम मन खुश हो जा रहा था। और बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी तो हम लोग बिल्कुल फ्री थे, खूब मस्ती कर रहे थे, खूब उछल कूद कर रहे थे। और मेरे फ़ोन ने पर मुझे धोखा दे दिया था, मेरे फ़ोन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, तो सब कुछ मेरे पतिदेव ने ही रिकॉर्ड किया था। फ़िलहाल मैं फुल एंजॉय कर रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग पे ध्यान भी नहीं दिया, मेरा बिल्कुल मन था मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन के उस समय रह गई। और ये देखिए सामने जो है ना, उस तरफ का ये सही था और इधर का जो है ये गिरने की अवस्था में आ गया था, तो बाद में ये ईंटों से इसको सपोर्ट दिया गया था। और ये देखिए यहाँ हमारी हीरोइन अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं और वान्या मुझे ले गई थी एक जगह जहाँ पे किनारे थोड़ा सा दीवार टाइप पर टूटा था, वहाँ से नीचे का भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो वान्या वो मुझे दिखाने के लिए ले गई थी। और इनके पापा जी तो बेचारे कैमरा लेके हम लोग के पीछे पीछे परेशान थे। फिलहाल हम लोगों ने वहाँ खूब मस्ती करी और वहाँ से वापस आ गए। बिंदकी के पास है ये आरबी टेम्पल, आप बाहर से ही देख सकते कितना खूबसूरत मंदिर है ये, एकदम मतलब आप नहाएंगे ना आपको बहुत शांति मिलेगी। और आसपास इतना खूबसूरत सा वो बनवाया गया ना, बहुत सारी सेल्फी पॉइंट्स है। और ये मंदिर के अंदर है माता लक्ष्मी की प्रतिमा, बिल्कुल लग रहा है माँ लक्ष्मी मुझे ही देख रही थी। और फिर बगल में था शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर जिसमें पूरा शिव परिवार था, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी थी, नंदी सामने थे और यहाँ पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। उसके बाद पीछे के साइड हम लोग आ गए जहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है और झूले लगे हुए हैं। सबसे बढ़िया ये वाला झूला लगा है, ऐसे दो तीन लगे हुए थे कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव अपनी दोनों राजकुमारियों के साथ बैठे हुए हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखिए, यहाँ पे ना चार यहाँ पे डक्स थी, चार बत्तख थी जो जिन्होंने अंडे दिए थे और वो चारों अपने अंडों पर बैठी थी। और चूँकि आसपास शोर था शायद इसलिए भी वो पूरा उसको कवर करके बैठी हुई थी और हम लोगों ने इसको भी शूट कर लिया। इतना सुंदर लग रहा था ना, और सच में पास से देखने पर वो अंडे दिख भी रहे थे थोड़े थोड़े से उनके पैर के बीच में से, तो बहुत क्यूट लग रहा था यार, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और वहाँ पे इन लोग के खाने की पीने की सब चीज़ की पूरी व्यवस्था थी। अभी मैं अभी कैमरा जूम करके दिखाऊंगी ना, तो ये देखिए बीच बीच में आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद अंडे, वो देखिए उनके पैरों के बीच में, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो बहुत सुंदर दृश्य था ये भी। और उसके बाद मैं भी बच्ची बन गई, मैं भी बच्चों के साथ झूले पे बैठ के खूब झूला झूला, खूब इंजॉय किया। तो मुझे लगता है बहुत मस्ती करी मैंने, और इतना मस्ती मैंने कभी इतने दिनों में नहीं की होगी, अपनी शादी के बाद से तो बिल्कुल नहीं की होगी। और उसके बाद हमारी सवारी फाइनली अब घर की तरफ चल दी, क्योंकि शाम हो जाती बहुत ज़्यादा ना, तो ठंड भी बढ़ जाती, और अभी शाम को तो थोड़ी ठंड हो भी रही है। रास्ते में ये मिल गया भेड़ों का झुंड, हम लोग को जाते समय भी एक भेड़ों का झुंड मिला था और आते समय भी ये दूसरा झुंड मिला था। ये तो काफ़ी बड़ा है, जाते समय जो मिला था ना वो इतना बड़ा नहीं आया बच्चों को, और बच्चों को देख के बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हमारी सवारी चल दी घर, तो हम लोग मस्ती करते हुए घर पहुंच गए। और घर पे आने पे ना मैं क्या ही बताऊं कि क्या हाल था, दिन भर की जितनी मस्ती करी थी ना वो सारी मस्ती, वो सारा मज़ा जो है वो सज़ा में बदल गया था। तो घर आते ही तुरंत से सारे काम दिखने लगते हैं, घर आए सब अच्छे हो गया था। तो अभी तक पापा जी ने चाय भी नहीं पी थी, चाय बनी नहीं थी और मम्मी बैठ के शिवपुराण देख रही थी, तो मैं बस फटाफट से आई, मैंने हाथ पैर धुले और कपड़े भी नहीं चेंज करे और फटाफट मैंने चाय बनाई, सबको चाय दी, चाय पी, हाथ मुँह धुला, थोड़ा सा फ्रेश हुए, कपड़ा चेंज किया, उसके बाद
शाम का पूजा पाठ दियावाती मुझे करना था वो सब किया, और उसके बाद फिर सबसे पहले मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था मैंने, क्योंकि ना बच्चों का नेक्स्ट डे है पेपर, और सोचिए किसके बच्चे जाते हैं यार पेपर से जस्ट एक दिन पहले घूमने, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं भाई, महान बच्चे हैं वो, कि जस्ट पेपर के एक दिन पहले वो घूमने गए थे। तो बच्चों का थोड़ा सा तैयारी था भी, इसलिए बच्चे थोड़ा निश्चिंत भी थे, और वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो फिलहाल मैंने जो है बच्चों को जितना प्रिपरेशन कराना चाहिए था, उनका रिवीजन कराना चाहिए था, वो सब करा दिया। और उसके बाद जो खाना बनाने के लिए मैं गई ना, मुझे इतनी थकान हो रही थी, मेरे पूरे बॉडी में पेन था, और आपको मालूम ही है एक दिन पहले मेरे दोनों कंधों में इंजेक्शन लगा था, तो वो तो मेरा पेन हो ही रहा था। और उसके बाद खाना बना रही थी ना, तो मुझे सच में रोना आ रहा था। आज मुझे खाना बनाने में सच में रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि काश कोई कह देता कि तुम इतनी थकी हो और तुम आराम कर लो, खाना मैं बना दे रही हूँ, पर ये कहाँ पॉसिबल है यार नहीं होता है ना। वैसे बात कड़वी है, पर ये सच है कि थकान आराम का ध्यान बेटियों का रखा जाता है, बहुओं का नहीं रखा जाता यार बहुएं नहीं थकती हैं, कड़वी है बात पर ये सच है। तो फिलहाल भारी मन से ही, क्योंकि जब आपका बॉडी साथ नहीं देता है ना, जब सपोर्ट नहीं करता है आपको, तो फिर ज़्यादा खलता है। और मैं अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे चीज़ों में, तो मैं ऑलरेडी बहुत थकी थी, और उसके बावजूद जो है मुझे लग रहा था कि काश कोई कह देता कि मैं खाना बना दूँगी, तुम ना करो आज काम ना करो, पर मुझे मालूम था कि नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों का पेपर है और काम तो मुझे ही निपटाना है। तो फिलहाल मैं जुट गई अपने काम धाम में, और इस समय तक सब लोग खाना खा के सो चुके हैं, और सबके सोने के बाद फिर मैं अपने काम में जुट गई, किचन क्लीन किया, बर्तन धुले, और रात के बज रहे 11:30 लगभग होने जा रहे हैं, 11:25 हो रहे हैं। और अभी ये देखिए मेरी लॉबी का हाल, बच्चे जहाँ जहाँ पढ़ाई किए वैसे ही सब छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी थक गए थे, और ये कपड़े ऊपर से जो लाए गए हैं वो सोफे में पड़े थे, इन्हें फोल्ड करना है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले लॉबी को सही करने लगी, बच्चों की कॉपी वगैरह स्टडी टेबल सब हटा करके अभी किनारे कर दूँ। और हमारी वान्या तब तक उठ गई थी, और वो वापस आ गई थी कि मम्मा चलो सोने, और उसको गर्मी भी लग रही थी तो उसे चेंज करना था, क्योंकि हमारे अंदर वाले रूम में ना थोड़ी गर्मी हो भी जाती है। तो मैंने उसको तुरंत चेंज करवाया, और उसके बाद फिर मैं सब सही करने लगी। तो हो जाता है यार, मतलब ऐसा हो जाता ना, बहुत थकान रहती है, लेकिन फिर भी हमें अपने काम तो करने ही रहते हैं, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि काश कुछ ना करना पड़ता। तो फिलहाल आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो लाइक किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपका कुछ भी नहीं लगता है तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।